एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने आज चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 450 करोड़ रुपए से बढ़कर 530 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय 3270 करोड़ से बढ़कर 3660 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि चौथी तिमाही में कंपनी की प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की प्रोविजनिंग बढ़कर 89 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। जी मीडिया संवाददाता सिल्की सिंह ने कंपनी के एमडी एंड सीईओ विनय शाह से खास बातचीत की। सबसे पहले सर, कंपनी ने इस बार अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रोथ कहां कहां से आते हुए देखा आपने? इस साल द कंपनी हैज डन वेल, बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और रिटेल में हम अगर साल भर का पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं तो रिटेल में हमने लगभग 11.5% की ग्रोथ दिखाई है। प्रोजेक्ट में करीब 96-97% ग्रोथ दिखाई है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी कहना, ओवरऑल ग्रोथ लगभग 15% के लगभग है। प्रोजेक्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन हमारे वॉल्यूम्स उसमें बहुत कम है। एंड एसेट क्वालिटी पे आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने अपनी प्रोविजनिंग भी बढ़ाई है, तो उसके बारे में क्या रीजंस है इसके पीछे प्रोविजनिंग बढ़ाने के? प्रोविजनिंग लगभग 88-89 करोड़ की इस की गई है, और उसमें से लगभग 50 करोड़ का कंपोनेंट जो है वो एक हमारा एनपीए जो 3 साल पुराना है, जिसमें हमको 100% एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स 100% करना था, उसमें हमने 60% कर वो कंपोनेंट है लगभग 50 करोड़ का। और 40 करोड़ के लगभग की प्रोविजनिंग जो है वो एरियर पेमेंट जो सैलरी रिविजन से हमारे एम्प्लॉयज़ को हुआ है उसकी।